मैं चालू कर रहा हूँ, मैं मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स हिंदी में ही बताने की कोशिश करूँगा। प्रॉब्लम ये हुआ है कि स्लाइड जो है वो पूरी इंग्लिश में है, तो थोड़ा सा स्लाइड का मैं इंग्लिश में एक्सप्लेनेशन देकर आपको हिंदी में डिटेल बता दूंगा। जो भी आपके बेसिक डाउट्स हैं, जो भी है, काफ़ी स्लाइड्स में कवर हो जाएंगे। और अगर आपको और भी कुछ डाउट्स है तो स्लाइड्स के कम्प्लीशन होने के बाद आप वो एब्सोल्युटली पूछ सकते हैं, जब तक आपका कम्प्लीटली समाधान नहीं हो जाता है, ठीक है। कॉमनली आपकी एज में जो भी हमें प्रॉब्लम फेस होती है वो सब कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होती है। हम उसे कॉमनली इंग्लिश में ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो जो ऑस्टियोपोरोसिस है उसके बारे में मैं आज बेसिकली बताने की कोशिश करूँगा। राइट फ्रॉम क्या ऑस्टियोपोरोसिस है, उसके लिए हम प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं, और जिनको ऑस्टियोपोरोसिस हो चुका है उनको ट्रीटमेंट में भी हम क्या कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हमने कवर करने की कोशिश की है। सर्जिकल पार्ट इसमें कुछ भी नहीं है, तो सर्जिकल हमने कुछ भी इसमें कवर अप नहीं किया है, तो किसी को डरने की बात नहीं कि आपका ऑपरेशन के दूसरा नहीं, ठीक है। तो बेसिकली स्टार्ट कर लेता हूँ। ऑस्टियोपोरोसिस जो है, जो अपने हड्डी में कैल्शियम कम हो जाता है, कैल्शियम जो ऊंचा हो जाता है, तब उसे ऑस्टियोपोरोसिस हम बोलते हैं। नॉर्मली जब आपकी अभी टेस्ट हुई है, वैसे जब हम टेस्ट करते हैं तो नॉर्मल एज में आपका -1 तक बोन डेंसिटी मेंटेन रहना चाहिए। अगर -1 या -1 के ऊपर है तो आपका बोन डेंसिटी नॉर्मल है। अगर -1 से ये -1.25 तक है तो उसका ऑस्टियोपीनिया बोलते हैं, जिसमें -2.5 से आपका बोन डेंसिटी कम रहता है। -2.5 से कम रहने में डेंजर ये रहता है, हमें फ्रैक्चर्स होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, और फ्रैक्चर्स अगर हो जाते हैं तो सर्जरी या प्लास्टर ये चीज़ें पीछे लगती हैं। तो आज के लेक्चर का बेसिकली इंटरेस्ट ये है देखने के लिए कि हम ऑस्टियोपोरोसिस क्या करके प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर उसे हम समझेंगे तो काफ़ी हद तक उसको कॉम्प्लिकेशन को ट्रीट करने की कोशिश कर सकेंगे या अवॉइड कर पाएंगे। यूजुअली अगर आप इंडिया में देखेंगे तो हर 2 लेडीज में से 1 लेडी को ऑस्टियोपोरोसिस है, या हर 4 जेंट्स में से 1 जेंट को ऑस्टियोपोरोसिस है, उसमें -2.5 से नीचे रहता। BMD किसे, ऑस्टियोपोरोसिस किसे बोलते हैं? नॉर्मल हेल्दी बोन जो रहता है उसमें ये ऐसा ट्रैबिकुलर पैटर्न जैसा रहता है कि जिसमें कैल्शियम सबने को दिखते हैं और बीच में होल्स जैसे रहते हैं। तो ये जो बेसिकली होल्स रहते हैं यहाँ पर रीमोल्ट नहीं होते रहता है। तो हम जो सोचते हैं कि हमारी एक बार हाइट 17-18 ईयर्स की बढ़ जाती है तो उसके बाद बोन का बिल्कुल रीमोल्टिंग नहीं होता है, तो बोन का हमेशा रीमोल्टिंग चालू रहता है कि नया बोन तैयार होते रहता है और पुराना निकाला जाता है। जो पुराना निकाला जाता है वो ब्लैक स्पॉट जैसा दिखता है, और जो व्हाइटिश दिखता है दैट इज द नॉर्मल बोन। तो ये नॉर्मल बोन का स्ट्रक्चर है। वही अगर हम ऑस्टियोपोरोटिक बोन्स में देखेंगे तो ब्लैकिश एरियाज हैव इंक्रीज बढ़ गए हैं, और जो व्हाइटिश पार्ट है वो काफ़ी कम हुआ है। मतलब बोन बॉडी से निकल जाने की प्रक्रिया जो है वो बड़ी है, और नया बोन फॉर्मेशन जो है वो रिलेटिवली बहुत स्लो हो रहा है। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो यूजुअली हमें प्रॉब्लम देते हैं कि एक बार ऑस्टियोपोरोसिस होने के बाद मैं कुछ नहीं कर सकते, ओके। सो देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम दैट वे। ऑस्टियोपोरोसिस अगर आपको डिटेक्ट भी हुआ है तो ऑस्टियोपोरोसिस काफ़ी हद तक नॉर्मलाइज हो सकता है, आपके पेन्स काफ़ी हद तक नॉर्मल हो सकते हैं, ओके। सेकेंड पॉइंट, बोन स्टॉप ग्रोइंग व्हेन वी रीच फुल हाइट। जैसे मैं अभी बता रहा था कि 17-18 एज होने के बाद बोन्स ग्रो नहीं होते, तो बोन्स ग्रो होते हैं और रीमोल्ड होते हैं, तो उनकी लाइफ चालू रहती है, देयर नॉट डेड टिश्यू, ओके। एक बड़ा मिसकंसेप्ट है, मेन बोलते हैं कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस नहीं होता है, वो यूजुअली फीमेल्स का प्रॉब्लम है, तो 25% मेल्स ऑल्सो हैव दिस प्रॉब्लम। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इस कैल्शियम जो डाइट से मिलता है या कैल्शियम से मिल्क से मिलता है इज सफिशियंट टू प्रिवेंट ऑस्टियोपोरोसिस या इज सफिशियंट टू ट्रीट ऑस्टियोपोरोसिस। तो यंग एज में दिस इज फाइन है ना, पर जैसा जैसा एज बढ़ते जाता है
बॉडी का एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम फ्रॉम फूड स्टफ फ्रॉम मिल्क रिड्यूसेस डाउन, इसकी वजह से आपको डायटरी सप्लीमेंटेशन के साथ मेडिसिन की भी जरूरत है। रिस्क फैक्टर्स, दीज आर द टिपिकल एज ऑन देखते हैं 35 पे वी आर स्टैंडिंग प्रॉपरली, अराउंड द एज ऑफ 30 50 55 थोड़ा सा स्टूप होने लगते हैं एंड 65 प्लस प्रैक्टिकली एवरीबॉडी इज बेंड आउट। तो ये जो बेंडिंग होता है, दिस बेंडिंग इज बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस और स्ट्रेट बैक स्टार्ट्स बेंडिंग डाउन, ये टिपिकल रहता है। दीज रिस्क फैक्टर्स जो है, जो कुछ रिस्क फैक्टर्स हम चेंज नहीं कर सकते हैं, जैसा एज, फीमेल्स आर मोर प्रोन फॉर इट, स्मॉल फ्रेम, अगर बहुत ही दुबला पतला पेशेंट है तो, फैमिली हिस्ट्री और पर्सनल हिस्ट्री भी अगर फ्रैक्चर्स की पहली है तो, और इंडियंस, अभी पता चला है कि इंडियंस एंड एशियंस आर मोर प्रोन फॉर ऑस्टियोपोरोसिस देन यूरोपियंस। कुछ रिस्क फैक्टर्स है जो मॉडिफाइबल है, अभी दीज रिस्क फैक्टर्स कैन नॉट बी मॉडिफाइड आफ्टर पर्टिकुलर एज, कुछ सालों के बाद पॉसिबल नहीं रहता है, पर अगर हम हमारे बच्चों में इनके अभी से रिस्क फैक्टर्स चेंज करने की कोशिश करेंगे तो मे बी दे विल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम ऑस्टियोपोरोसिस। जैसा लो कैल्शियम एंड विटामिन डी इनटेक, लो कैल्शियम के लिए स्टार्टिंग से ही कैल्शियम लेना है, दूध लेना है, और विटामिन डी थ्री के लिए कंप्यूटर छोड़कर थोड़ा सा सनलाइट में जाना है। नॉर्मली मॉर्निंग सनलाइट अर्ली मॉर्निंग के 2 घंटे या सनसेट के पहले के 2 घंटे बॉडी खुद विटामिन डी थ्री काफ़ी हद तक सिंथेसाइज कर सकती है। तो अगर बाहर जाने की आदत है, वॉकिंग की आदत है या प्लेइंग की आदत है तो डेफिनेटली बॉडी विटामिन डी थ्री जनरेट कर सकती है। कुछ चीज़ें अगर हम अवॉइड कर सकें जैसे स्मोकिंग या अल्कोहल इंटेक, जैसे अल्कोहल इंटेक, स्मोकिंग इज अ नोन रिस्क फैक्टर, उसके साथ अगर आप बहुत ज़्यादा फास्टिंग कर देते हैं या बिल्कुल खाना नहीं खाते हैं या बहुत ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस करने वाली चीज़ें खाते हैं तो भी कैल्शियम डेफिशिएंसी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ये कुछ जस्ट पॉइंट्स बताया है फॉर अदर रिस्क फैक्टर्स, जैसे स्टेरॉइड्स है जो अस्थमा के पेशेंट्स में काफ़ी बार दिए जाते हैं, दैट इट इज़ नेसेसरी फॉर देम टू टेक स्टेरॉइड्स, फिर उसके साइड इफेक्ट्स प्रिवेंट करने के लिए हम कैल्शियम कैन बी स्टार्टेड एट एन अर्ली एज। हाइपरथायरॉइडिज्म, बहुत बार हाइपरथायरॉइडिज्म विच इज वेरी कॉमन, सेकेंड कॉमनेस्ट थिंग आपसे ऑस्टियोपोरोसिस लेडीज में, उसकी ट्रीटमेंट नहीं ली जाती है या बीच में ही छोड़ी जाती है तो कैल्शियम डेफिशिएंसी वापस से बढ़ जाती है। अभी सेकेंड थिंग, ये सब थियोरेटिकल पार्ट हुआ, पर अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस है तो हमें कैसा पता चलना चाहिए कि रफली देर इज बोन पेन्स, जिस पर हम वेट डालते हैं, जिस पर हम प्रेशर डालते हैं वो हमें दर्द देने लगते हैं। फर्स्ट कॉमनेस्ट थिंग जो चालू होती है कि रेगुलरली हम चेयर से या सोफा से उठने जाते हैं तो हमें सपोर्ट लेने की जरूरत पड़ती है, दैट इज द फर्स्ट थिंग टू इंडिकेट कि कुछ तो प्रॉब्लम है, कैल्शियम डेफिशिएंसी कहीं पर तो भी स्टार्ट हो रही है, क्योंकि अपने बॉडी वेट लोअर लेग्स पर 6 गुना बॉडी वेट का आता है वेट, तो जब आप रेगुलर चेयर से या सोफे से उठने जाते हैं और आपको सपोर्ट लगता है, इट शुड इंडिकेट यस, मुझे कुछ तो भी डॉक्टर को दिखाना चाहिए या कैल्शियम सप्लीमेंटेशन स्टार्ट करने की जरूरत है। बहुत बार लेडीज के या जेंट्स के भी ध्यान में आता है कि नहीं, मेरा थोड़ा सा हाइट कम हुआ जैसा लगता है, ये बेसिकली हाइट एक्चुअल में कम नहीं होता है तो शोल्डर की लेवल कम हो जाती है क्योंकि आप आगे झुकने लगते हैं, जो हमने डायग्राम में एक्सप्लेन किया है। तो अगर आपकी हाइट झुकने लगी है और बैक पर हम नहीं है तो भी ये प्रॉब्लमेटिक है कि आपका शोल्डर्स कम होने लगी है, आपका बोन डेंसिटी कम होने लगा है। यूजुअली कपड़ों से पता चलता है कि मेरी हाइट कम हो गया, कुछ हुआ है, क्योंकि शोल्डर्स ड्रूप होने लगते हैं। अगर फ्रैक्चर्स हो जाते हैं विदाउट मेजर इंजुरीज, जैसे हम सोचते हैं कि घर में जस्ट बाथरूम में थोड़ा सा स्लिप हो जाते हैं फ्रैक्चर हो जाता है, या थोड़ा सा सीढ़ी रेगुलर कंट्रोल पेन किलर से भी बहुत बार नहीं होता, बहुत बार सिर्फ कंप्लेंट रहती है कि मैं पेन किलर्स देती हूँ, 4 घंटा ठीक लगता है, वापस से पेन्स आ जाते हैं। तो ये जो कॉमन है, ये पेन किलर से पेन्स नहीं जाता है, तो ये एंटी ऑस्टियोपोरिक ड्रग से ही जाने वाला है। अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस के ट्रीटमेंट करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका पेन कम होने वाला है, पेन किलर्स टेम्पररी इफेक्ट चाहिए। जो कॉमन कंप्लेंट्स रहते हैं कि नहीं बाबा, हमारे जब तक पावर है तब तक पेन है, पेन कम है, एक बार दवाई का असर निकल गया तो पेन चालू हो जाता है, देयर इज समथिंग प्रॉब्लमेटिक।
कुछ ब्लड टेस्ट है जो आपको बता सकते हैं कि आप ऑस्टियोपोरोसिस को प्रोन है क्या, जैसे विटामिन D3, विटामिन बी? एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है कि अगर मेरे ब्लड का कैल्शियम लो है तो मुझे ऑस्टियोपोरोसिस है। यूजुअली ब्लड कैल्शियम नॉर्मल ही निकलते हैं, क्योंकि ब्लड का कैल्शियम, ये बोन से कैल्शियम निकाल कर बॉडी नॉर्मल रखती है। तो अगर आप ब्लड कैल्शियम कभी भी करते हैं और ब्लड कैल्शियम नॉर्मल है, ये कभी इंडिकेट नहीं करता है कि आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं है, बिकॉज ब्लड कैल्शियम, ये बोन का कैल्शियम निकाल कर किया जाता है, तो यूजुअली बोन कैल्शियम कम रह सकता है। सो द बेस्ट टेस्ट फॉर दिस थिंग इज एक अल्ट्रासाउंड मेथड जो अभी आपने किया है, एक रूटीन स्क्रीनिंग टेस्ट से रहता है जो 90% तक एक्यूरेसी है, आपको यूजुअली स्क्रीन करके बोल सकता है ये पोर्टेबल है। सेकेंड थिंग एंड द बेटर इज अ टेक्सा स्कैन, दिस कैन बी 99% एक्यूरेट टेक्सा स्कैन। तो ये दो टेस्ट है बेसिकली जो इंडिया में अवेलेबल है। टेक्सा स्कैन रूटीनली नहीं किया जाता है क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव जाता है, एंड वंस अ ईयर करने में कोई हरकत नहीं है अगर आपका BMD -6 से और नीचे, मतलब तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड। अभी आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट के लिए। ट्रीटमेंट में बेसिकली सिर्फ कैल्शियम सप्लीमेंटेशन लेकर फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि अगर आप प्लेन कैल्शियम लेते हैं तो उससे अराउंड 40% कैल्शियम ये सिर्फ स्टूल्स में से निकल जाता है। तो अगर आप 500 mg का कैल्शियम भी लेते हो तो उससे बहुत कम कैल्शियम आपको एक्चुअली बॉडी में निकलता है। कुछ टैबलेट्स में बात में बताने वाला हूँ जो हम रेगुलरली प्रिस्क्राइब करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस में, जिसकी वजह से आपको कैल्शियम के साथ वो लेने की ज़रूरत पड़ती है। आजकल कैल्शियम के साथ हम अलग विटामिन D3 भी देते हैं क्योंकि इससे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा रहता है। पर जब कॉमनली आपको इंटरेस्टिंग चीज़ें रहने वाली है कि रेगुलर डाइट में हम क्या क्या चीज़ें बढ़ा सकते हैं जिसकी वजह से कैल्शियम सप्लीमेंटेशन मिल सकता है, तो वेजिटेबल्स सीरियल्स का ये लिस्ट है। इसमें आप मेथी इज नोन टू हैव मैक्सिमम कैल्शियम, 470 mg है 100 ग्राम में। बीटक्रूट, कॉलीफ्लावर, कैबेज, फ्रेंच बीन्स। सीरियल्स में सोयाबीन, नाचनी इसमें सबसे ज़्यादा आ जाता है। इवन उड़द दाल, येलो दाल में भी कैल्शियम सप्लीमेंटेशन है। अगर आप मिल्क के प्रोडक्ट्स देखेंगे तो मिल्क में भी आजकल काफ़ी वैरायटी मिल जाती है, तो मिल्क के इसमें भी स्किम मिल्क जो है उसमें सबसे ज़्यादा कैल्शियम आ जाता है, नियरली 1400 mg ऑफ कैल्शियम आ जाता है 100 ml में। होल मिल्क पाउडर या होल काउ मिल्क जो आता है उससे 120 mg आ जाता है। बफेलो मिल्क या चीज़ मिल्क में काफ़ी कैल्शियम है, पर अगर आप ऑलरेडी ओवरवेट है या आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का डर है तो इट इज़ बेटर टू अवॉइड चीज़ एंड बफेलो मिल्क, आप काउ मिल्क या कर्ड पर शिफ्ट हो सकते हैं। देयर आर सम ड्राई फ्रूट जिसमें कैल्शियम क्वान्टिटी काफ़ी आती है, आलमंड्स एंड पिस्ताज में। एक छोटा सा हेडिंग हम भूल गए हैं कि नॉन वेजिटेरियन आइटम्स में भी कैल्शियम काफ़ी आ जाता है, जैसा चिकन, मटन, क्रैब या फिश के दो टाइप्स दिए हैं जिसमें काफ़ी कैल्शियम सप्लीमेंटेशन है। तो अगर आप ये डाइट में इंप्लीमेंट कर सकते हैं तो नंबर ऑफ टैबलेट्स थोड़े से कम रह सकते हैं, या अपने नेक्स्ट जनरेशन में हम कैल्शियम जल्दी लेने के लिए अवॉइड कर सकते हैं बिकॉज ऑफ डाइटरी चेंजेस। अभी कैल्शियम में भी बहुत कन्फ्यूजन है, अगर आप मेडिकल स्टोर में जाते हो कैल्शियम लेने के लिए तो वो काफ़ी कैल्शियम बोलते हैं, यूजुअली वो कॉस्ट से बोलते हैं और कॉस्ट से सिलेक्ट करते हैं। कॉस्ट से ज़्यादा इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो कि कैल्शियम कौन से टाइप के हैं और उसमें हमें इम्पॉर्टेंट क्या है। तो इम्पॉर्टेंट थिंग जब कॉमनली हम यूज़ करते हैं इस कैल्शियम कार्बोनेट। अभी कैल्शियम कार्बोनेट का प्रॉब्लम ये है कि इसका एब्जॉर्प्शन सबसे कम है, उसके साथ इसमें कॉन्स्टिपेशन होने के प्रॉब्लम्स रहते हैं। कभी कभी लोग बोलते हैं कैल्शियम लेने के बाद मेरा पेट फूल जाता है, ये जो कॉम्प्लिकेशंस है आर विद कैल्शियम कार्बोनेट। सबका जो मोस्ट फेवरेट ब्रांड शेल कैल आ जाता है इस कैल्शियम कार्बोनेट, तो ओनली एडवांटेज ऑफ दिस थिंग इज इसकी कॉस्ट बहुत कम है, बट फ्रेंकली स्पीकिंग इससे एब्जॉर्प्शन ज़्यादा नहीं है, फ़ायदा नहीं है। सेकेंड जो आ जाता है कैल्शियम सिट्रेट मैगनेट या कैल्शियम सिट्रेट मैगनेट में विटामिन K2, ये जो दोनों है इसका एब्जॉर्प्शन इज बेटर, थोड़ा सा कॉस्ट में इंक्रीज हो जाती है पर साइड इफेक्ट्स नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। एंड कैल्शियम ओरिएंटेड करके नया कैल्शियम आ रहा है, उसका एब्जॉर्प्शन इज प्रैक्टिकली 90-95% बेटर। सो दीज सप्लीमेंटेशन आर बेटर। कैल्शियम कार्बोनेट जो हम कॉमनली यूज करते हैं प्रिफर नहीं है। दिया है 3 साल तक 500 mg इज सफिशियंट, 4 to 8 years 800 is sufficient,
और आपकी एज में 59 अबव ये तो काफ़ी क्वांटिटी लग जाती है जो फूड से सिर्फ नहीं आती है, जो दूध से सिर्फ नहीं आती है, इसलिए आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है। जो नया डाटा आया है कि सिर्फ कैल्शियम लेकर नहीं चलता है, आपको कैल्शियम के साथ विटामिन डी भी लेने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत बार हमें इस एज में धूप में निकलने की आदत नहीं रहती है या टाइमिंग ऐसा हो जाता है कि हमें धूप नहीं मिलती है। आज के सिटीज़ में धूप आती भी नहीं है, दैट इज़ अगेन अ प्रॉब्लम। तो विटामिन डी3 का सप्लीमेंटेशन लेने की ज़रूरत है। द कॉमनेस्ट फॉर्मुलेशन जो विटामिन डी3 का यूज़ करते थे वॉज कैल्सिट्रॉल, जो कैल्शियम के ही कॉम्बिनेशन में आ जाता है। दूसरा विटामिन डी3 जो आता है पाउडर फॉर्म में आ जाता है, जो वीकली वंस लेने के लिए काफ़ी डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, या आजकल उसके वीकली वन लेने की टैबलेट भी आए। तो ये विटामिन डी3 कैल्शियम के साथ लेने की ज़रूरत है। अगर आप ऑस्टियोपोरोसिस से परेशान हैं तो कैल्शियम और विटामिन डी3 दोनों लेकर फ़ायदा नहीं है, तो आपको उसके साथ और कुछ टैबलेट लेने की ज़रूरत है, जो देखेंगे कि एक आप जो कैल्शियम लेते हैं वो बोन्स तक पहुंचता है। सेकंड थिंग, जैसा हमने स्टार्टिंग में देखा था कि बोन रीमोल्ड होते रहता है, नया बोन तैयार होता है, पुराना निकल जाता है, तो पुराना निकल जाने की जो प्रोसेस बढ़ती है एज के साथ वो कम करने के लिए कुछ दवाइयाँ मदद करती हैं। जैसे ये चार दवाई है, एलेंडोनेट, रिसोलवेनेट, इबेंडोनेट एंड ज़ोलनट्रिक एसिड। ये दवाई आपके काफ़ी लोगों ने ली रहेगी, ये दवाइयाँ सब खाली पेट लेनी रहती हैं। पहले जनरेशन में एलेंडोनेट आया था जो हर रोज लोग लेते थे खाली पेट, और उसके बाद आधा घंटा कुछ भी नहीं खाते थे, पीते थे या सोते थे। उसके बाद रिसोलवेनेट आया जो हफ्ते में एक बार लेने की दवाई थी, लोग हफ्ते में एक बार लेते थे खाली पेट। पर अभी जो कॉमनली यूज़ होती है इस इबेंडोनेट, जो महीने में एक बार दी जाती है, ये महीने में एक बार खाली पेट लेकर आधा घंटा सिर्फ बैठे रहना है। खाली पेट दवाई देने से वो टोटली एब्जॉर्ब हो जाती है, जिनमें काफ़ी ज़्यादा हद तक कैल्शियम डेफिशिएंसी है, ऑस्टियोपोरोसिस है, या वो ये टैबलेट्स सस्टेन नहीं कर सकते, उनके लिए ज़ोलनट्रिक एसिड है कि साल में एक बार लेने का इंजेक्शन दिया गया है। पर प्रॉब्लम इसका छोटा सा ये है कि आपको हॉस्पिटल्स में लेना पड़ता है, क्योंकि अराउंड 2-2.5 घंटा सलाइन से स्लोली देने की ज़रूरत पड़ती है। पर ये चारों में जैसा हम नीचे आते जाते हैं वैसा उनका एफिकेसी बढ़ते जाती है। मेनोपॉज स्टार्ट होने के बाद काफ़ी आप लेडीज ने पहले हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी सुनी रहेगी, और हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के खुद के कुछ साइड इफेक्ट्स थे, जैसे कैंसर्स वगैरह होते थे, इसलिए आजकल हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी नहीं यूज आती। जो लेडीज में बेसिकली हार्मोन रहता है ईस्ट्रोजन, वो मेनोपॉज के बाद कम होने के बाद हड्डी बोन से निकलने की जो प्रक्रिया रहती है वो बढ़ती जाती है, और वो प्रिवेंट करने के लिए पहले 3-5 साल तक हम ये रेलोक्सिफेन करके टैबलेट यूज़ करते हैं, जिसके वजह से पोस्ट मेनोपॉज़ल जो कंप्लेंट्स रहते हैं वो भी कम हो जाते हैं, और आपका जो बोन स्टॉक है वो काफ़ी हद तक नॉर्मल रहता है। तो ये जो ऑस्टियोपोरोसिस है वो प्रिवेंट करने में मदद हो जाती है उससे। यह अभी नया आया हुआ ड्रग है, काफ़ी लोगों में देखा जाता है कि ये लेकर भी फायदा नहीं है। तो जैसा डायबिटीज़ का पेशेंट इंसुलिन लेता है वैसा ये इंसुलिन जैसा इंजेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है। प्रॉब्लम अभी इसका यह है कि इसका कम यूज़ है, बिकॉज कॉस्ट अभी तक उसकी काफ़ी ज़्यादा है, और अभी तक ये हमें पता नहीं कि कितने साल तक लेते रहने की ज़रूरत है। जैसे डायबिटीज़ पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इंसुलिन अगर लगता है तो लेने की ज़रूरत है, मे बी ये पेशेंट्स में भी ज़्यादा देर टाइम तक लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इसका यूज़ बहुत अभी तक कॉमन नहीं है, मे बी इसका कॉस्ट कम होने के बाद या मे बी इसका रूट चेंज होने के बाद इंजेक्शन से ओरल फॉर्मुलेशन पर आ जाएगा तो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सेकेंड थिंग, जो कॉमनली यूज आता है इस कैल्सिटोलिन का नेजल स्प्रे, काफ़ी हद तक पेशेंट्स ने लिए है कि नाक में लेने का जो स्प्रे है वो भी सिमिलरली एक्ट करता है। बाई मिस्टेक वी हैव मिस्ड इन दिस स्लाइड, वो भी काफ़ी कॉमनली यूज किया जाता है। कैल्सिटोलिन का स्प्रे एब्लोबिनन नेजल फॉर्म, ये दिन में एक ही बार लेने की दवाई है, दोनों में से किसी भी नाक में ली जा सकती है। तो ये कॉम्बिनेशन अलॉन्ग विद विटामिन डी3 और कैल्शियम लेने की ज़रूरत है। यूजुअली चालू करने के बाद इफेक्ट आने के लिए सबका एटलीस्ट 2-3 महीने लगते हैं, इसलिए यूजुअल कैल्शियम सप्लीमेंटेशन मिनिमम 6 मंथ्स प्लस ही दिए जाते हैं, क्योंकि 3 महीने तक आपको बीएनबी में भी चेंजेस दिखेंगे नहीं, और अच्छे चेंजेस दिखने के लिए एटलीस्ट 6 महीने से 1 साल का टाइम आपको देने की ज़रूरत है। ये हर एक को पता ही है, रेगुलर एक्सरसाइजिंग या रेगुलर वॉकिंग ये अपने कॉन्स्टिपेशन से बोन डेंसिटी मेट्रिक्स सब बढ़ाने में मदद करती है।
रेगुलर हेल्थी डाइट, रेगुलर बॉडी फिटनेस इज ऑल्सो इक्वली एसेंशियल, जिसकी वजह से सर्कुलेशन बढ़ता है और नॉर्मल रहने की मदद हो जाती है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इम्पॉर्टेंट है सीनियर सिटीजन के लिए, क्योंकि ये अगर हम यूज करेंगे तो काफ़ी ऑस्टियोपोरोसिस के कॉम्प्लिकेशन हम प्रिवेंट कर पाएंगे। जैसे अब काफ़ी लोगों को शर्म आती है, पर अगर आप केन यूज़ करना चालू करेंगे, केन्स रहते हैं, तो आपका बॉडी वेट 2 लेग की जगह पर 3 लेग्स पर आ सकता है एंड पेन कम हो सकता है। रेगुलरली अपने घर में लो लाइटिंग की जगह पर वेल लिट लाइटिंग रहता है तो हमें एक्सीडेंट्स कम हो सकते हैं, हम अच्छी तरह से देख सकते हैं, अच्छी तरह से चल सकते हैं। इंडियन टॉयलेट्स से वेस्टर्न टॉयलेट्स या कमोड्स यूज करने पर स्ट्रेन कम आता है घुटने पर और हिप्स पर, कंफर्टेबल हो सकते हैं, पेन्स कम हो सकते हैं। सेकेंड थिंग, बाथरूम से बाकी की चीज़ें जहाँ पर हम किचन में मूव करते हैं वो अगर स्लिपरी ना रहे, उनमें पानी गिरा हुआ ना रहे, तो सेफ्टी रह सकता है। सिमिलरली अगर आपको कैटरैक्ट है, कैटरैक्ट सर्जरी करवा कर ले लीजिए, या आपको ENT का ईयरिंग प्रॉब्लम है तो ENT का ईयरिंग एड लगवा लीजिए, तो अपनी सेफ्टी आप देख सकते हैं, गिरने के चांसेस कम रहते हैं। क्योंकि नॉर्मली आप अगर 40 के एज में गिरते हैं तो फ्रैक्चर नहीं होता है, पर एट द एज ऑफ 60 अगर आप गिरेंगे तो उसी इफेक्ट पर फ्रैक्चर हो सकता है, तो वो एक्सीडेंट प्रोन जोन्स हम कम कर सकते हैं। और बाकी की चीज़ें भी है जिसके साथ आपकी जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन है या डायबिटीज है, थायराइड है, उसका ट्रीटमेंट करके तो आप ये प्रिवेंट कर सकते हैं। ये ऐड करने का ये आइडिया था कि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हम नहीं करते हैं, वो अगर करेंगे तो एक्सीडेंट्स प्रोन हो जाएंगे, एक्सीडेंट्स कम हो जाएंगे और कॉम्प्लिकेशन कम हो जाएंगे। थैंक यू। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछ लीजिए, मैंने बेसिक पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की है। प्लीज़ गुड फॉर डाउट्स क्वेश्चन। वो जो इंजेक्शन है, वो इंजेक्शन किसी भी ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास उनके हॉस्पिटल में या क्लिनिक में आप ले सकते हैं। नहीं, सलाइन से लिया जाता है, सलाइन से दिया जाता है, और 2 से 2.5 घंटे तक वो इंजेक्शन देने की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए आपको वो हॉस्पिटल में लेना है, सलाइन से थोड़ा लेना है। दो चीज़ों की वजह से हो सकता है, एक बिकॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, तो अगर ऑस्टियोपोरोसिस है तो उसको हम कैल्शियम सप्लीमेंटेशन से बाकी देकर ट्रीट कर सकते हैं। मेल मेंबर्स के लिए भी कैल्शियम लेना जरूरी है। आजकल एक न्यू थ्योरी हैज एक्चुअली कम अप नोन एज मेल मेनोपॉज। जैसे फीमेल्स में मेनोपॉज रहता है, इट हैज बीन प्रूव्ड दैट आफ्टर द एज ऑफ 50-55 इवन मेन डेवलप मेनोपॉज, और उनके बाद उनके जो हार्मोनल डिफिशियंसी होते हैं तो उनको भी कैल्शियम लेना है। देयर इज नो डिफरेंशिएशन कौन सा कैल्शियम लेना है, जो लेडीज को देते हैं आप वही मेंस भी लेने हैं। आपका एक पैर का सर्जरी हो चुका है, पर खड़े रहने में अगर तकलीफ होती है तो एक आपको केन का सपोर्ट लेने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस के लिए कुछ चालू नहीं है तो करने की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट आपको 6 महीने से साल भर तक लगेगा। अभी का आपका बोन डेंसिटी टेस्ट किया है आपने तो कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितना है, तो हेल्पफुल रहेगा आपको उसमें। यस आंटी, अभी रिपोर्ट पॉजिटिव आया है तो कैल्शियम के साथ कौन सी गोली लेने की दूसरी? ओके, आपकी ये जो रिपोर्ट्स है, इफ़ यू डोंट माइंड, एक 2 मिनट जाते जाते सबने अगर मुझे दिखा दिए तो आई विल बी एबल टू टेल यू एग्जैक्टली क्या स्टार्ट करना है, क्योंकि हर एक के लेवल्स थोड़े से अलग रहते हैं, तो उस हिसाब से हर एक को थोड़ा सा अलग देना पड़ेगा। तो जनरलाइज करने की जगह पर अगर आप दिखा देंगे तो मैं उस पर लिख कर दे दूंगा आपको कि क्या लेना है, इट विल बी हेल्पफुल। हेलो हेलो, हाँ, ये मेरा इधर कमर का भाग है ना, इसमें मैं एडमिट हुई थी तो मेरे को ये बेल्ट आया है, भाग से ये मेरे को बहुत तकलीफ होती है, यानी पूरी सीधे पाँव में बहुत तकलीफ होती है, चलती हूँ तो उठना बैठना बहुत मुश्किल होता है मेरे को,
मैं क्या करूँ? आप जो बता रहे हैं टिपिकली उसे हम सायटिका बोलते हैं, आपको राइट साइड में सायटिका जैसा है लंबर स्टेनोसिस की वजह से। तो अगर आपका दर्द कम नहीं हुआ है तो आपको बेल्ट के साथ कुछ फिजियोथेरेपी लेने की ज़रूरत है, और अगर उससे भी फर्क नहीं पड़ता है तो एक MRI निकाल कर एक्चुअल में देखने की ज़रूरत है कि नस कितनी दब रही है। और आजकल जितनी जल्द दिखती है उस पर मेडिसिन भी है या कुछ इंजेक्शन भी है जिसकी वजह से आपका रिलीफ आ सकता है। तो आप पहला फिजियोथेरेपी लेकर देखिए, और अगर फिजियोथेरेपी ली है तो एक MRI करके देख लीजिए, तो एग्जैक्टली नस पर कितना दबाव है वो आपको दिख जाएगा। थैंक यू। अभी अभी ना थोड़ा घुटना दुखने स्टार्ट हो जाए, रात में जब भी उठती ना बेड पे से तो ठीक से खड़े रह नहीं पाती, पूरा लोड वजन उठाता नहीं, पलंग पकड़ कुर्सी पकड़ तभी मैं जा सकती, ऐसा की? क्योंकि आपको अभी अभी ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत हुई है, इसलिए आपको सुबह तकलीफ हो रही है सिर्फ। हाँ, अगर आप वो निगलेक्ट दुखता डॉक्टर, यस, अगर आप वो निगलेक्ट करेंगे तो आपको दिन भर तकलीफ चालू हो जाएगी। तो मुझे क्या करना? तो आपको कैल्शियम स्टार्ट करना है, एक बार BMD आपका करवा लीजिए, कुछ कैल्शियम लिख कर दे देंगे आपको। यस जमात को एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बैठे रहे, कोई भी उठे नहीं, आपका जो चेकअप बाकी है उसमें सीरियल नंबर से ही बुलाने में आएगा, फिर ही आप उठ के जाओ। अभी आके वहाँ क्वेरी मत करो, प्लीज़ वहाँ आके कुछ मत पूछो। जब डॉक्टर साहब का सेशन हो जाएगा आपको नंबर जो देने में आया है रजिस्ट्रेशन पे वही नंबर से आपको बुलाएंगे, तो प्लीज़ आप टेंशन मत लो, आपका नंबर भी नहीं जाएगा और आएगा भी नहीं। ठीक है, थैंक यू। डॉक्टर साहब मैंने कमर बहुत दुखे से, आपको शरीर बहुत दुखे, काम मन मन करिए आंटी, कैल्शियम चालू रखवानी पड़ते, बीजों कोई तकलीफ नहीं, कैल्शियम लेवानी छे बस। नहीं अंकल गुजराती नहीं। सेप्टम की जो USA से टेबलेट्स आती है, जो मल्टीविटामिन्स भी साथ में रहती है, तो वो लेना ठीक है? ये सेंट्रम या बाकी जो भी फॉर्मुलेशंस है वो लेने में अच्छी है, सिर्फ उनमें प्रॉब्लम ये देखने की ज़रूरत है कि सेंट्रम के भी काफ़ी क्वालिटीज़ आ जाता है। okay. तो आपको लेने के पहले ये देखने की ज़रूरत है कि उनका कैल्शियम का कंटेंट कितना है, या अगर आपको वो कुछ अलग चीज़ों के लिए लेनी है तो उसके कंटेंट कितनी है। बहुत बार वो कम्प्लीट सब कुछ चीज़ें एक टैबलेट में लेने के लिए थोड़ी थोड़ी क्वान्टिटी में सब डालते हैं, तो हमें वो सफिशेंट क्वांटिटी नहीं हो जाता। जैसा हमने बोला है कि कैल्शियम एटलीस्ट 1200 से 1500 मिलीग्राम तक चाहिए, तो उसमें अगर 100 मिलीग्राम का है तो लेकर फ़ायदा नहीं होने वाला, तो आपको कंटेंट देखकर ही लेने की ज़रूरत है। तो कितना कंटेंट देना चाहिए? मिनिमम 1000 मिलीग्राम तो रहना चाहिए। ओके, उतना देखना है। थैंक यू। नो मैम, सेंट्रम डज नॉट इंक्रीज वेट। एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्ट है लोगों में कि कैल्शियम लेने के बाद मेरा वेट बढ़ता है, तो यूजुअली मेनोपॉज के बाद वेट बढ़ने लगता है, एंड उसी टाइम पर ट्रेजिकली सब डॉक्टर्स कैल्शियम भी चालू करते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि किसी टैबलेट को ब्लेम करें, सो इट इज़ यूजुअली द टैबलेट विच इज ब्लेम, पर कैल्शियम से वेट नहीं पुट ऑन करते हैं, मेनोपॉज से वेट पुट ऑन होता है। सर ब्लड में मेरे को नॉर्मल आया है, और इसमें अभी चेक कराया तो उसमें 2.3 है, तो टैबलेट चालू करना पड़ेगा? हाँ आंटी, टैबलेट चालू रखना पड़ेगा। जैसे अच्छा। मैंने पहले भी बताया कि ब्लड का कैल्शियम नॉर्मल आ सकता है। हाँ। इसलिए ऑर्थोपेडिक कोई भी आपको ब्लड का कैल्शियम चेक करने के लिए नहीं बोलता है, सर्जन हम बोन डेंसिटी मेट्री ही करने के लिए बोलते हैं। तो कौन सी चालू करना आप बोलिए? आंटी आपका लेवल देख कर मैं लिख कर देता हूँ बाद में, 2 मिनट में। थैंक यू, मैं सबको लिख कर दे दूंगा, नो प्रॉब्लम। मैडम यूजुअली कैल्शियम, आजकल के जो कैल्शियम्स है वो वाटर सोल्युबल कैल्शियम्स है, वो स्टोन्स या कॉन्स्टिपेशन नहीं देते हैं, और बाय चांस किसी को ज़्यादा कैल्शियम लिया जाता है तो वो मोशन थ्रू पास हो जाता है, तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, डोंट वरी। सर मैं ऐसा चलती हूँ ना तो ये ऐसा बेड हो जाता है पाँव। आंटी आपका अगर लेकिन ये जो है ना इधर वो दुखता है सर। आपको बेसिकली कैल्शियम से ज्यादा विटामिन ई की डेफिशिएंसी लगती है, जिसकी वजह से स्प्रेन आ जाता है और क्रैम्प आकर पैर मुड़ जाता है, पांव ऐसा मुड़ जाता है। यस, तो आपको विटामिन ई इवियन या कुछ तो भी लेने की जरूरत है, वो चालू कर दीजिए आप प्लीज। ऑस्टियोपोरोसिस है तो अपना रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया तो उसके लिए क्या?
रूमाटो आर्थराइटिस के लिए स्पेसिफिक एंटी रूमाटिक ड्रग्स अवेलेबल है, तो अगर आपका रूमाटो आर्थराइटिस है तो हम यूजुअली रूमाटो आर्थराइटिस का फैक्टर जो है वो फाउंड आउट करके उसके अलग ट्रीटमेंट चालू करते हैं। रूमाटो आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और क्वेश्चंस बहुत सारे लोग करेंगे, तुमको बोलना पड़ेगा क्वेश्चंस, हम लोगों को क्वेश्चन बोलने नहीं आया डॉक्टर को, तुम तुम्हारे क्वेश्चंस बोलो। पाँव में घुटनों में दर्द तो बहुत है, लेकिन जब भी सीढ़ियाँ चढ़ते हैं सेकंड फ्लोर पर रहती तो घुटनों में कट कट ऐसे थोड़ा आवाज़ आता है। मैडम ये जो घुटने से आवाज़ आता है वो इनिशियल स्टेजेस में बहुत आज तक नॉर्मल है। ओके, नॉर्मली अपने घुटने के अंदर एक छोटा सा कार्टिलेज रहता है जो लिक्विड जैसा रहता है, वो कम होने से वो मैकेनिकल फ्रिक्शन जैसा आ जाता है, तो एक आवाज़ का टेंशन लेने की बात नहीं है। पर आप थोड़ा सा वॉकिंग या रेगुलर स्टेप क्लाइंबिंग ऊपर नीचे थोड़ा सा फास्ट चालू करेंगे तो आपका ये आवाज़ आना काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। सेम इसी तरह से किसी ने बोला, लेकिन थोड़े दिन किया ना तो बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा पाँव में, तो मैं तो घबरा के छोड़ दी। मैडम अगर थोड़े दिन आप करते हैं और चालू करने के बाद दर्द होता है तो टेम्पररी आप पेन किलर्स ले सकते हैं, क्योंकि ये टाइप ऑफ एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज चालू करने के बाद किसी को भी आदत नहीं रहता है तो पेन स्टार्टिंग में बढ़ता है, पर अगर आपने वो छोड़ा नहीं रहता तो मे बी आपका आवाज़ आना बंद हो जाता था। तो अभी स्टार्ट कर लीजिए, कोई भी पेन के लिए लिया तो भी चलेगा अपने। मुझे है, मेरे को शुगर भी है और स्पॉन्डिलाइटिस है और स्लिप डिस्क भी है, मेरे से प्रॉब्लम ज़्यादा है हड्डियों के, और ऑस्टियोपोरोसिस तो एकदम माइनस बोला है, कैल्शियम बिल्कुल नहीं है। आंटी अगर आपका कैल्शियम बिल्कुल नहीं है तो कैल्शियम और बाकी के सप्लीमेंटेशन लेने के बाद वो डेफिनेटली इम्प्रूव हो जाएगा। सेकेंड थिंग, स्लिप डिस्क के लिए आप डेफिनेटली काफ़ी अच्छी तरह से खड़े हैं तो स्लिप डिस्क का टेंशन मत लीजिए। अच्छा, आप बेल्ट यूज़ करते रहिए जिससे आपको सपोर्ट अच्छी तरह से मिलेगा। आपका जो थाई पेन है वो काफ़ी हद तक ऑस्टियोपोरोसिस या स्लिप डिस्क दोनों से रह सकता है, तो बेल्ट आपको काफ़ी फायदा देगा। ऑस्टियोपोरोसिस तो है मुझे। तो ऑस्टियोपोरोसिस के लिए आपको BMD के हिसाब से कैल्शियम स्टार्ट रखेंगे, डोंट वरी। थैंक यू। नहीं जरूरत नहीं डूबा था, पैसे जॉइंट नो प्रॉब्लम। मेरे पैर का ऑपरेशन हो गया है घुटने का, वो जो हुक होता है ना वो खुल गया था, तो अभी ये चेक करें ना तो बोलते कैल्शियम कम है, तो कैल्शियम के लिए आप कुछ गोली लिख के देंगे? हाँ मैडम, मैंने बोला है कि सेशन होने के बाद मैं हर एक का रिपोर्ट देख कर कुछ लिख कर दे दूँगा। डोंट वरी। ठीक। 41, 42, 43 किसका नंबर है वो, प्लीज बाहर आ जाओ। प्लीज सब अपनी अपनी जगह पर बैठ जाइए प्लीज। सर आपको बाद में बैठ जाओ, लेने वाले सबके सबके लिए वेट करने वाले सर। We would like to thank Dr. Kulkarni for coming over here and sharing his precious views with us. And I will invite the Secretary of Health Board to give him a token of appreciation. Thank you, Doctor. Any more queries? He's still there for some time. तुम्हारा नंबर तो वो कॉल करने आएंगे, वो टेस्ट होती रहेगी तुम्हारी, तो कॉल करने आएंगे नंबर्स। उसके अलावा एनी क्वेरी दैट यू हैव यू कैन आस्क इन दिस सीरियस फॉर सम टाइम। दवा जिनको चाहिए मैं
लोगों के अभी नाम से बुलाते जाती हूँ, उन लोग सब लोग आते जाओ। बाय माय फर्स्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग सेकंड नंबर का आप आ जाइए। नंबर को जान प्लीज़ 51 52